यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? तुम मेरा पीछा कर रही हो सुहान? हाँ सीजा, कर रही हूँ। और जो देखा उसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर चल के बात करते हैं, चलो। तुम उसके सामने मेरे साथ बहस कर रही थी? सीजा, शायद तुम्हें सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। पता है तुम कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो? मैं कोई जुर्म वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उस आदमी का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर ये हरकत तुम्हें जेल पहुँचा सकती है। तुमने अगर किसी को बताया ना तो मैं पकड़ा जाऊंगा, वरना नहीं। सारे के सारे प्रिकॉशंस लिए हैं मैंने। हाँ हाँ, सारे प्रिकॉशंस तुमने ले लिए होंगे, क्योंकि अब तो तुम प्रोफेशनल क्रिमिनल बन गए हो। सुहान, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, प्लीज। जब तक तुम रिजा को छोड़ नहीं देते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। सुहान, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे अभी और वक्त चाहिए ताकि मैं उसे सच उगलवा सकूं, और तब तक मैं उसे नहीं छोड़ सकता। पर तुम उससे क्या उगलवाना चाहते हो? वही जो उसने अभी तक किया है, जैसे सली की सीढ़ी उसके पास क्या कर रही थी। तुम्हारे पापा ने आखिर अपना होटल उसके नाम क्यों किया? इस सब का जवाब चाहिए मुझे। तुम्हारे मॉम के कातिल का क्या? अगर उसने कहा कि उसका तुम्हारी माँ के कातिल के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? क्या तुम उसे मार डालोगे? हाँ, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी सीजा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझ गए? प्लीज उसे जाने दो। सुहान, मैंने तुमसे यहाँ से जाने को कहा ना, जाओ प्लीज। तुम समझ क्यों नहीं रहे? इस खेल के सिर्फ दो अंजाम हो सकते हैं, या तो तुम पकड़ लिए जाओगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, या तो तुम कातिल बन जाओगे। सीजा, हर हालत में तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा, क्या तुम यही चाहते हो? सीजा, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे इंसान नहीं हो, संभालो खुद को, प्लीज पुराने वाले सीजा बन जाओ। मुझे यकीन है तुम वैसे बन सकते हो। उस पुराने सीजा को मैं बहुत मिस करती हूं। वो सीजा अब मर चुका है, और ये बात मैं तुम्हें पहले कितनी बार बता चुका हूँ। जिस दिन उसकी मॉम का कत्ल हुआ, उसी दिन वो मर गया। देखो सुहान, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज अभी जाओ यहाँ से, जाओ। मैं कुछ भी कहूं तुम नहीं मानोगे, है ना? मुझे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, जाओ और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो जिद मत करो सुहान, इसमें मत पड़ो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, जाओ यहां से, तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं है, जाओ यहां से प्लीज, जाओ। मैं पहले से ही इस सब का हिस्सा बन चुकी हूं, पर ठीक है, मैं चली जाती हूं। क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर तासिन, मुझे लगा कि शायद आप जफर को जाने से पहले बाय बोलना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, तो ये मामला है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद हम आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे मिस्टर तासिन। शायद तुमने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। मैंने तुम्हें डांटा था ताकि तुम अपनी हरकतें सुधारो, अगर ऐसा करती रही तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसका मतलब हम इस घर में रुक सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर फिर से तुमने कोई गलत हरकत की तो उसका अंजाम बुरा होगा, ये याद रखना। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात याद रखूंगी। वैसे तुमने कुछ सुना या नहीं? अदालत कोल्लूदाग जेल से फरार हो गई है। वाकई में? क्या कह रही हैं आप, सच में ऐसा हुआ? हाँ सच में, पूरे कोल्लूदाग में इस वक्त यही बातें चल रही हैं।
हर जगह उसे ढूंढा जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है शहर को। उनका केस तो सही जा रहा था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये मुझे तो नहीं पता, पर तासिन को इस बारे में जरूर पता होगा। आपको क्या ये मजाक लगता है? मिसेज अदालत अगर तहसीन सर के पास गई तो वो पकड़ी जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि वो कोरलुदाग में होंगी। जरा रुक जाओ, एक बार टेंडर की डेट आने दो। जब तासिन को देखूंगी तो खुद ब खुद समझ जाऊंगी, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। टेंडर की बात हो रही है तो मेरे पास भी एक अच्छी खबर है। तासिन कोरलुदाग क्या रेट डालने वाले हैं मुझे पता है। सच में? उन्हें उन्हीं की तरह हराऊंगा। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं अच्छी खबर। सुहान रुकी क्यों नहीं? जल्दी चली गई, अभी तो आई थी। उसका नाम दोबारा अपने मुंह से मत लेना। मुबारक हो तासिन, अदालत तुम तक पहुंच ही गई। शुक्रिया मेहरबान, एक बार बस मुझे ये टेंडर मिल जाए, फिर हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे। काफी गलत फहमियाँ हैं तुम्हें, ज्यादा खुश मत हो तासिन, कहीं बाद में पछताना ना पड़े तुम्हें। और हाँ, जैसे ही मुझे पता चलेगा अदालत को तुमने कहाँ छिपा कर रखा है, वैसे ही मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वेलकम, सभी एप्लीकेंट्स के सारे पेपर्स चेक किए जा चुके हैं और ख्याल रखा गया है कि बिडिंग की प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। अब मैं टेंडर कमेटी की तरफ से आज के टेंडर की बिड ओपन कर रहा हूं। यहसान होल्डिंग कंपनी के टेंडर से शुरू करते हैं। इनकी बिड है 40 करोड़ 20 लाख। आज हमारी पिछली हार का बदला चुकता हो जाएगा। तासिन कोरलुदाग की शक्ल देखते रहिएगा, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। फिक्र मत करो, मैं उसे ही देख रही हूँ। कोरलुदाग होल्डिंग कंपनी की इस टेंडर के लिए बिड है 30 करोड़ 70 लाख 65 हजार। तासिन कोरलुदाग लिमिटेड कंपनी, इनकी बिड है 30 करोड़ 70 लाख 70 हजार। तहसीन सर, मुझे कुछ बताना है आपको। जब मैं और आप ऑफिस में बात कर रहे थे तब चाहिदे आई थी, उसने हमारी बातें सुन ली। मैं जब यहां से जा रहा था तब उसने मुझे धमकी दी। उसने कहा अगर मैंने उसको आपकी बेट नहीं बताई तो वो सबको ये बात बता देगी कि मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। इस चाहिदे को देखो, इतना कुछ होने के बाद भी ये औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इसीलिए मैं आपको टेंडर भरने से रोक रहा था, लेकिन ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं कुछ बोल नहीं सका। आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं इस वक्त किसकी तरफ हूँ, चाहे जो भी हो जाए। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी तो मैं तुम्हें अपना बेटा कहता हूं। तुम कुरान के जैसे नहीं हो, और आज नहीं तो कल तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। शुक्रिया तहसीन सर। अब हमें उनके खिलाफ सिर्फ एक आखिरी वार करना है, और इसमें मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत होगी। मिसेस मेरीबान, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार फिर वो आदमी अपने इरादों में कामयाब हो गया। माफ कीजिएगा मिसेस मेरीबान, ये सब मेरी वजह से हुआ है। गुस्सा मत करो कुरहान, ठीक है, जो होना था हो गया। तासन क्या बेट करने वाला है, किसने बताया था तुम्हें? चाहिए नहीं।
कोरहान, तुम भी नाहत करते हो। क्या तुम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि चाहिदा की बात पर यकीन नहीं कर सकते? शायद तुम अब तक उसे समझ नहीं पाए हो। जो करना है करो। हाँ हेलो कोरहान, तुम लोगों को टेंडर मिल गया ना? चाहिदे आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? हाँ मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम पर यकीन किया, तुम्हारी वजह से हमें टेंडर नहीं मिला। क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तुम ये मुझसे पूछ रही हो? आखिर तुम्हें ये बात पता कहाँ से चली और तुमने मुझे ही क्यों बताया? बुलंद तासीन पापा का जासूस बुलंद। बुलंद ने? तहसीन कोरलुदाग तो खुशियां मना रहा होगा और हमें देखो, हमारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। तुमने किया ये? हाँ सच है ना? क्या हुआ कुरहन? तुम मेरे पापा के जासूस हो ना? क्या मतलब है इसका कुरहन? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ हूँ, क्या कर लोगे? मैंने ही तहसीन सर को बिट के बारे में बताया था। इसमें हैरानी की क्या बात है? एक बात कहूँ तुमसे, तुम यही डिजर्व करते हो। हम सब जानते हैं कि तुमने ये कंपनी कैसे हथियाई है, तो मुझ पे कोई इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कुरहान। और मेरा क्या बुलंद? जवाब दो मुझे, तुम मेरे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो कि तहसीन कोरलुदाग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, आखिर तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन से हाथ कैसे मिला सकते हो? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? अपनी माँ को धोखा कैसे दे सकते हो? तुम कैसे दे सकते हो? जवाब दो। बुरा लगा माँ? आपको अफसोस हो रहा होगा मैंने आपको धोखा दिया, इस बात का बुरा लग रहा होगा ना आपको? बड़ी भोली है आप, सब ठीक हो जाएगा। आपके पास सीजर तो है ना? माँ जब से उस सीजर ने हमारी जिंदगी में कदम रखा, आपने हमेशा उसे मुझसे ज्यादा अहमियत दी है। मैंने बस आपसे उसी बात का बदला लिया है। मैंने तहसीन कोरलुदाग के साथ हाथ मिलाया जिसे आप अपना दुश्मन समझती हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो मुझ पर आपसे ज्यादा भरोसा करते हैं, आपसे ज्यादा अहमियत देते हैं वो मुझे। खाना अच्छा था? पेट भर गया हो तो अब बोलना शुरू करोगे तुम? मैं बहुत बोर हो गया हूं आलमदार, हमेशा तुम सवाल पूछते हो। सोच रहा हूं कि मैं भी तुमसे कुछ सवाल कर लूं, जैसे कि तुम्हारा खर्चा आखिर कैसे चल रहा है? मेरा मतलब हर चीज जिस आदमी से छीन ली गई हो, वो इतने कम वक्त में इतना अमीर आदमी कैसे बन गया? मैं ढूंढ के रहूंगा, पता करके रहूंगा तुम्हारे हालात कैसे बदले। और ये पता लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, एक अच्छा बोलने वाला झूठ भी अच्छा बोलता है। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो ना? हाँ? अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया
तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझे? मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, वापस आऊं तो सब सच बता देना। सरप्राइज। सुहान अभी बात नहीं कर पाएगी आलमदार अगलू, क्योंकि सुहान जैसा कि तुम देख सकते हो वो अभी बिजी है। उसे अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं तुम्हें, सुन रहे हो ना? तुम दिमाग में डालो ये बात। रजा को तुमने अगवा किया है। अगर तुमने रजा को नहीं छोड़ा तो इसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अगर तुमने उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो कसम से कह रहा हूं मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चिल्लाओ मत सीजर, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं, रजा को ले आओ, सुहान को ले जाओ, समझे तुम? मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज करूंगा, तुम वहीं आ जाना, और अगर देर हुई तो आ रहा हूं मैं। क्या हुआ? लग रहा है तुम्हें कोई बुरी खबर मिली है, काफी गुस्से में लग रहे हो। तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो? हाँ, वो बुलेन जासूसी कर रहा है, ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? कोरहान यकीन करो, मेरी कोई बुरी नियत नहीं थी, मैं तो बस चाहती थी कि तुम्हारा... बस करो चाहिए, बस करो। पहले भी हमारी लड़ाई की वजह तुम्हारी बात छुपाने की आदत ही थी। कोरहान, यही वजह है जो हम पहले जैसे नहीं रह सकते, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। कोरहान, ये कैसे हो सकता है? यकीन नहीं हो रहा है मुझे। अब रोने का क्या फायदा चाहते? तुम ही इस सब की जिम्मेदार हो। लालच में आके तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। सुहान को छोड़ दो। पास मत आना। मैंने कहा छोड़ो उसे। सुना नहीं तुमने? रजा कहाँ है? रजा गाड़ी से बाहर आओ। भाई तुम इस तरफ आ जाओ। अपनी गन नीचे करो, तुम्हारा आदमी आ रहा है, अपनी गन नीचे करो। आलमदार, याद है तुमने क्या कहा था? मुझे तुमसे कोई नहीं बचा सकता। तेरी तो मैं वहीं रुक जा। सीजर प्लीज। वैसे कभी किसी से बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। रजा याद रखना, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस अब चलो यहाँ से सीजर। भाई चले, जल्दी चलो। सीजर अलमदार, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो भाई। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? हाँ। उसने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल नहीं, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे सच बताओ सुहान, उसने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना? सीजर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है सुहान। प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, दोबारा ऐसा नहीं होगा।
क्या तुम अपने बॉस को बचाना चाहते हो? तो जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। हम कहां जा रहे हैं? सोचा नहीं है। या तो हम घर चल के पुलिस का वेट करें या फिर प्रोसिक्यूटर के पास चलते हैं। सीजर, तुम ऐसे सरेंडर नहीं कर सकते। पहले जहां तुमने उसे कैद किया था वहां से सबूत मिटाने होंगे। सबूत मिटा भी दिए तो उसे क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर सहरत के सामने अगर इजाने एक भी बयां दिया ना तो मुझे अंदर कर देंगे। सीजर प्लीज, पूरी कोशिश करके तो देखो। उन सलाखों पे तुम्हारी उंगलियों के निशान होंगे, उन्हें चलकर साफ कर देते हैं। शायद हम रिजा के बयान को गलत साबित कर सके। मिस्टर रिजा, सुना है कि आप मुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं। आइए ऑफिस में चलते हैं। तुम यहीं रुको। क्या तुम रेडी हो? चले यहां से। हाँ, बस एक मिनट। वो क्या है? रिजा अगर कुछ बोलता तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कैमरा लगाया था, पर ये सब तो बेकार गया। अपने पापा को बचाना चाहती हो तो मुझे यहां से निकालो। पर निकलने के बाद तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। मैं वादा करता हूं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। हाँ देखो, शायद इससे खुल जाए। वो मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं, जब उन्हें पता चला मैं जेल से छूट गया हूं तो उन्होंने एक प्लान बनाया। मेरे हिसाब से उनका प्लान बेवकूफी भरा था। वो पुलिस की गेटअप में आए और मुझे ले गए। उन्हें लगा मैं डर जाऊंगा। खैर छोड़िए ये सब, मैं कुछ वक्त उनके साथ ही रहा। हाँ, कोल्लूदाग से कुछ दिन दूर रहा तो काफी सुकून मिला मुझे। सुना इस बीच काफी गड़बड़ हुई है। मेरे ड्राइवर ने जब मुझे ये सब बताया तो सोचा आकर आपको सिचुएशन बता दूं। आपके दोस्तों ने काफी मेहनत की होगी ये मजाक करने की। क्या उन्हें मालूम है कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है? हाँ, माफी चाहता हूं, मगर इस शहर में और भी तो बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर, और वो लोग कर रहे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप ये तो नहीं चाहेंगे कि मैं अपने पुराने दोस्तों को धोखा दूं? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है।
हेलो, मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है। Congratulations, सीजर अलमदार, तुम एक बार फिर बच गए। आखिर तुम कितने घटिया इंसान हो, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे कॉल कर रहे हो। शर्म करो सीजर, तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझसे बच जाओगे, है ना? चलो ठीक है, फिर यही समझते रहो। लेकिन जिस दिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा ना, तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अलमदार, बहुत खुदगर्ज हो तुम। जबकि मैं प्रोसिक्यूटर को झूठा बयान देकर आ रहा हूँ, कोई कंप्लेन नहीं की मैंने तुम्हारी। अगर चाहो तो मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अदालत कोर्लुदाग, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अदालत कोर्लुदाग, सरेंडर करो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। दरवाजा तोड़ दो, तो उस तरफ देखो। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? सर हमने सब जगह देख लिया, घर खाली है, चलो चलते हैं। ऐसा उसने आखिर क्यों किया? रजा का मेरे खिलाफ कंप्लेंट ना करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भी तब जब वो मुझे आसानी से अंदर करवा सकता था। मतलब उसके ऐसा करने के पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत ही बड़ी वजह मौजूद है। अदालत, 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 कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूं, बाहर आ जाओ। बचपन में भी तुम ऐसी ही थी, हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद था तुम्हें। ठीक है, अदालत मैंने हार मान ली है, तुम जीत गई। चलो आओ, आ जाओ बहन, बोर हो गया हूं मैं यार।
मुझे बहन मत बुलाओ। अदालत, देखो तुम फिर से चीटिंग कर रही हो, या अपने भाई को भी गोली मार दोगी? हमें बर्बाद कर दिया तुमने, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अदालत बकवास मत करो, गन नीचे करो। मैंने तो तुम पर बचपन से लेकर आज तक कभी हाथ नहीं उठाया, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और एक बात, किसी की जिंदगी बर्बाद हुई है तो वो मेरी। तासिन के साथ मिलकर तुमने मेरे 30 साल बर्बाद किए। काश मैंने तुम्हें भी मार दिया होता। तुम्हारे जैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। अदालत फिर सोच लो, तुम्हारा वो सनकी हस्बैंड अपने महल से तुम्हें रोज खत नहीं लिखेगा, पर मैं तुमसे वादा करता हूं हर महीने खत भेजूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारा मरना तो तय है रिजा, कम से कम मिस्टर तासिन अपनी बाकी की जिंदगी चैन से जी पाएंगे। मैं मर गया तो तासिन भी तबाह हो जाएगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो वीडियो याद है ना, वही वीडियो, उसे हर जगह पहुंचा दिया जाएगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं, तुम्हारे मरने से मिस्टर दासिंग को सुकून जरूर मिलेगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो हमें सारे सबूत मिटाने थे ना, तो मैंने सोचा ये भी तो एक सबूत है। सुहान, तो क्या तुम भी इस खेल में शामिल हो? मुझे फौरन यहाँ से निकालो, अगर अपने पापा को बचाना चाहती हो तो मुझे निकालो यहाँ से। सुहान समझ रही हो, मुझे निकालो यहाँ से, पुलिस को कॉल करो जल्दी। पुलिस आई तो सीजर, तो वो जेल चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे पापा या सीजर में से एक तो जेल जाएगा। चुन लो तुम किसे बचाओगी। पुलिस आई तो सीजर, तो वो जेल चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे पापा या सीजर में से एक तो जेल जाएगा। चुन लो तुम किसे बचाओगी। तुम्हें अब भी कुछ कहना है सुहान? सुहान तुम खामोश क्यों हो? बोलो। सुहान कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। वहीं रुक जाओ। सुहान, मुझे सब कुछ बताए बिना तुम यहां से बिल्कुल नहीं जाओगी। बोलो, मैं सुन रहा हूं, मुझे बताओ तुमने ये क्यों किया। रिजा की मदद क्यों की तुमने? तुम्हारे पापा या मुझ में से कोई एक जेल जाएगा, क्या मतलब था इस बात का? आखिर वो ऐसा क्या जानता है कि तुम उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई?
सुहान बताओ मुझे, चुप क्यों हो तुम? नहीं बता सकती सीजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ मुझसे ये सवाल मत पूछो। वाकई में? ठीक है, तुमने आज एक बार फिर से मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है सुहान। मैं ये तो नहीं जानता कि तुमने ऐसा क्यों किया है, लेकिन एक बार फिर से तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है सुहान। लेकिन ये मत सोचना कि मैं ये भूल जाऊंगा। तुम नहीं बताना चाहती ना, ठीक है मत बताओ। वो रिजा, वो जो कुछ भी जानता है ना, मैं जानकर रहूंगा चाहे जो हो। मुझे माफ कर दो सीजा, माफ कर दो। क्या हाल बना दिया है मेरा। तुरान, तुरान, ऐसे खड़े मत रहो, जाओ अपना हाथ मुंह धो लो और अपनी हालत सुधारो। और हां, अपने कपड़े भी बदल लेना। अब ये सोचो कि क्या करना है। हमने सब जगह देख लिया, घर खाली है, चलो चलते हैं। अदालत ने तो कमाल कर दिया। चलो अदालत, अब जल्दी करो, कॉल करो और बताओ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मिस्टर तासिन, मैं पूछने आई थी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं। आप ठीक तो हैं? थोड़ी परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें इससे क्या? मैं परेशान हूं या नहीं हूं तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। जाओ यहां से। हेलो, बोलिए। तासिन जी से मिलना था मुझे, वो घर पर हैं क्या? वो गार्डन में है, मैं उनको बुला देती हूँ, रुकिए। नहीं नहीं, रहने दो, मैं ले जाती हूँ मिस्टर प्रोसिक्यूटर को। स्वागत है आपका मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आइए आइए। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। मिस्टर तासिन, वो मैंने तुमसे कहा था यहाँ दोबारा मत आना, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? मिस्टर तासिन, वो मिस्टर प्रोसिक्यूटर को आपसे मिलना था, इसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आइए। अगर अदालत का पता पूछना है तो मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो कहां है। आज सुबह हमारी एक टीम ने आपके एक प्रॉपर्टी पर जाकर तलाशी ली थी, लेकिन वो वहां नहीं थी। आपको इसकी खबर किसने दी? आखिर चिड़िया पिंजरे से भाग ही गई। हमारी टीम पूरे कोरुदाग में तहकीकात कर रही है, आपकी पत्नी जहां भी छुपी हैं पकड़ी जाएंगी। अगर वो आपको कांटेक्ट करती हैं, देखिए साफ बात है, उन्हें सरेंडर करना होगा। अदालत जी अब बचकर नहीं जा सकती, आपको उन्हें समझाना होगा। खबर किसने दी ये नहीं बताया आपने अभी तक, मतलब वो इंसान जो भी हो मुझे अपना दुश्मन समझता है, वरना वो मुझे क्यों फंसाता? अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, हो सकता है कि वो वहीं पर थी, पुलिस के आने से पहले ही भाग गई।
जरा ये बताओ, मेरी बीवी वहां छुपी होती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? कोई मुझे फंसाना चाहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप उसे बचा क्यों रहे हैं, हैं? वो चाहे जो भी हो, आप मुझे उसका नाम बताइए। आप नाम क्यों नहीं बता रहे उसका? मैं किसी को बचा नहीं रहा था संजय। आपको जानना ही है तो बता दो, हमें नहीं पता कि वो कौन है। हम बस ये जानते हैं कि वो एक औरत है और कुछ भी नहीं। तासिन जी, बेहतर होगा अगर मिसेस अदालत सरेंडर कर दें। अगर वो आपसे कांटेक्ट करें तो उन्हें समझाने की कोशिश कीजिएगा। चलता हूं। फिर कौन हो सकती है, कौन? और हाँ, जैसे ही मुझे पता चलेगा अदालत को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है, वैसे ही मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पछताओगी तुम मेरी बहन।